नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बीड़े लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूमने वाले मुकेश सहनी अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। ऐसी चर्चाएं, ऐसी कयास जो हैं अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगाने जाने लगी है। जब से मुकेश सहनी के सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने DP पर तिरंगा लगा लिया, तब से ये चर्चाएं होने लगी कि मुकेश सहनी भी BJP के तिरंगा कार्यक्रम के साथ हो गए हैं और अब साथ ही साथ उनके गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सनफ मल्ला जो कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी के साथ थे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें करते थे, खुद डिप्टी CM बनने का भी सपना देखते थे, अब चर्चाएं एक बार फिर से उठने लगी है कि क्या वो BJP के साथ चले जाएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये चर्चा आपने अपनी भूमिका में ही बताई कि 15 अगस्त को अभी 78वां स्वतंत्र दिवस हो रहा है और उसमें देशवासी को प्रधानमंत्री की ओर से केंद्र सरकार की भी योजना है, BJP की योजना है घर घर तिरंगा। अब उसी अभियान के सिलसिले में या खुद भी हर नागरिक को एक ये भारतीय गौरव का विषय है, देश के लिए गौरव का विषय है और हम में सचमुच राष्ट्र प्रेम है तो स्वतंत्रता दिवस को कौन अंगीकार नहीं करेगा। अब वो उसमें मुकेश सहनी ने भी अपने सोशल मीडिया का जो उनका अपना साइट है उसमें लगा लिया, अब एक चर्चा होने लगी। देखिए, कोई ऐसा तो कारण अभी नहीं दिखता है कि तेजस्वी से उनके संबंध कोई तीखे हो गए या संबंध तोड़ लेने जैसी बात हुई। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान तो दोनों की जोड़ी बड़ा जम रही थी। तेजस्वी ने 250 से अधिक मीटिंग की, हेलीकॉप्टर से यात्रा की और हर सभा में मुकेश सहनी साथ दिखते थे। आपने देखा कि उसमें कभी मछली खाते हुए, कभी केक काटते हुए फोटो भी आते रहे। अब इधर मुकेश सहनी के पिताजी की निशंस हत्या हो गई और उसके बाद जो कुछ उसके बाद लोगों ने अपनी संवेदना जताई, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ने दिखाई, BJP के भी और सभी दल के नेताओं ने। स्वाभाविक ये किस तरह का ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ था, हर लोगों की संवेदना होगी। इसके बाद फिर उनके पिताजी के श्राद्ध में जिस ढंग से बिहार के DC सम्राट चौधरी सहित कई नेता गए थे, तेजस्वी भी गए थे। दूसरे दिन उनके यहाँ पटना आवास पर गए थे, दूसरे दिन लालू जी उनके यहाँ गए थे, तो उस समय से ये चर्चा होने लगी। देखिए, BJP को भी, मुकेश सहनी तो BJP के साथ ही ना आए थे राजद छोड़ करके, अभी फिर चर्चा जरूर निश्चित रूप से होने लगी कि विधानसभा के चुनाव तक, तो अभी जोड़ तोड़ इधर उधर पाला बदल ये सब का खेल तो चलता ना रहेगा। अब मुकेश सहनी पाला बदलेंगे तो मुकेश सहनी को तय करना है वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया में इस तरह का क्यास लगने जा रहा है इसे आप ना इनकार कर सकते हैं। अब ऐसी जब बात हो रही है तो मुकेश सहनी भी राजद को छोड़ करके फिर BJP के साथ जा गया कि क्या वजह होगा, क्या कारण होगा। आज तो मान लिया कि एक बात असेंबली का कंपोजिशन देख लीजिए कि 243 सीट में BJP के जिम्मे, जदयू के जिम्मे या बहुमत ना है, 122 का आंकड़ा है उसे 125-30 सीटें हैं अभी, तो मुकेश सहनी को लड़ने के लिए ज़्यादा अवसर विपक्ष में मिलेगा कि सत्तारूढ़ दल के साथ रहेगा। एक अब दूसरी बात, खुद मुकेश सहनी इस बार तो लोकसभा की 3 सीटें मिली थी तो मुकेश सहनी तो लड़े नहीं, कहीं अपने दूसरे लोगों को लाया, भले कोई सीट नहीं मिली ये एक अलग विषय है। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है पाला बदलने का, देखिए अभी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना तो कई, अब एक और प्रशांत किशोर भी का एक प्लेटफॉर्म खुलने जा रहा है 2 अक्टूबर से, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत लोग उससे उनसे जुटेंगे, पार्टी बदलने बन जाएगी। उसके बाद बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा कि भाई हमको यहाँ अवसर नहीं मिलेगा। जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं सब दल में, जो सिटिंग MLA कहीं है और उस दल में दूसरे भी एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए तो दूसरी जगह तलाशते हैं। कुल मिला जुला कर एक स्थिति जो मुकेश सहनी पर आपने बात की है कि अभी तिरंगा का ये लगा लिया साथ में अपने, इसके कारण ये क्यासबाजी होने लगी। क्यासबाजी तो मैंने भी सुनी है। क्या लगता है मुकेश सहनी वाकई भाजपा के साथ जाएंगे? क्या नहीं, देखिए ना, ये जाएंगे इस पर कुछ कहा जा सकता है और तय है, इसलिए कि तय तो कुछ होता नहीं और कोई चीज़ से इनकार, राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है, अब तो नीति सिद्धांत विचार के लिए
थोड़े कोई राजनीति, अवसर के लिए राजनीति होती है, कुर्सी के लिए राजनीति होती है, तो जहाँ जिसको सूट करे। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है अभी कि कोई तेजस्वी से और सहनी की केमिस्ट्री कोई में कोई गड़बड़ हो गया हो। अब वो चर्चा है, लेकिन वो कयासबाजी में तो बीजेपी इनमें अब देखा नहीं। अभी उपेंद्र कुशवाहा कब तक साथ, फिर इधर आ गए थे, तो कुल मिला जुला करी तो पॉलिटिक्स में अभी चुनाव नज़दीक आने दीजिए ना। अभी कई पाला फिलहाल सर सहनी की नाव किस दिशा जाती दिख रही है, क्या जहाँ है वहीं रहेंगे या कई भाजपा की तरफ? देखिए अब ये तो कोई ना भविष्यवाणी की जा सकती है, कोई सहनी से मेरी बात भी नहीं हुई, लेकिन चर्चा ऐसी हो रही है कि फिर कुछ तो कहीं बात ऐसी होती है तभी चर्चा भी होती है। आप जान लीजिए बिल्कुल जो कयास भी लगता है या चर्चा कब होती है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब सम्राट चौधरी सैनी के गांव पहुंचे। हाँ देखिए सम्राट चौधरी या पूरी बीजेपी ने, आपने देखा कि अमित शाह ने जब उनको फ़ोन करके कंसोल किया था, खुद ये बात सैनी ने लोगों को कहा था कि भाई हमको अमित शाह जी का फ़ोन आया था। नेचुरल है कि सभी नेताओं ने अमित शाह के फोन आने के बाद से ही कयास जो है, हाँ कि कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी भी डोरा डाल रही है क्या। एक पॉलिटिकल गलियारे में तो हर कोई एक्शन का भी, उसका क्या माने है, क्या उसका निहितार्थ है, ये सब भी निकाला जाने लगता है। तो एक चर्चा ये हुई। इसके बाद इतना ही नहीं, अमित शाह जी ने फ़ोन किया। इसके बाद आपने देखा जैसा आपको बताया कि रात के दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस समय तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे ना सम्राट चौधरी, जब वो गए थे तब दिलीप बदल चुका था, तो खैर जो हो। तो लेकिन अब उनका जाना भी तो एक स्ट्रांग प्रेजेंस था बीजेपी का उस दिन, उसके कारण तेजस्वी का तय था कार्यक्रम जाने का। ऑफिशियली सारा वो जिस ढंग से विपक्ष के नेता की ओर से एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना जाती है, लेकिन अब किन्हीं कारणों से वो उस दिन का प्रोग्राम, सम्राट चौधरी पहले गए वहाँ रहे भी घंटा दो घंटा, इसके बाद वो कार्यक्रम तेजस्वी ने जाने का रद्द कर दिया। दूसरे दिन लालू जी गए थे। तो देखिए अभी एक चर्चा है, इसको सिर्फ यही कहा जा सकता है विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव के पहले कोई हेर फेर की संभावना से अभी कई इधर उधर होंगे, कई नेता जिनको अभी इसमें कोई, अभी तो शुरुआत यही ना है। जैसे चुनाव जब नज़दीक आता है तो ये पाला बदल ये सब कुछ का एक सिलसिला चालू हो जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा, वो अवसर तो आएगा ही। चलिए तो देखिए मुकेश सहनी क्या वाकई भाजपा में जाएंगे, इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर से, और इन्होंने बताया है कि 2025 के विधानसभा से पहले ये ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आएंगी जब लगेगा कि तमाम पार्टियां अपना अपना गठबंधन छोड़कर दूसरे दल के गठबंधनों में जा रही है। मुकेश सहनी का नाम फिलहाल तेजस्वी के साथ रहता है या फिर वो भाजपा की तरफ जाते हैं, ये देखना काफ़ी वाकई दिलचस्प होगा। बहुत जल्द ये तस्वीरें साफ भी हो सकती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक।